नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। बागबेड़ा कॉलोनी रोड नंबर 6 के रहने वाले रोशन कुमार को प्रेम विवाह करना महंगा पड़ा। जातिवाद का मामला बनाकर लड़की के घर वाले विगत एक वर्ष से उसे डरा धमका रहे हैं। इसी क्रम में दुर्गा पूजा विसर्जन के दिन लड़की पक्ष के 10-15 लोग लाठी डंडे और पिस्टल का भय दिखाकर रोशन और उसकी माँ की बुरी तरह से पिटाई कर घायल कर दिया। घायलों का आरोप है कि जातिवाद को लेकर लड़की पक्ष वालों द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, जबकि लड़की अपने पति के साथ ससुराल में ही रहना चाहती है और उसे बेटी की तरह घर में रखा जा रहा है। बावजूद उसके माता पिता और रिश्तेदार आए दिन धमकी और मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय थाने में शिकायत भी की गई, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर माँ और बेटा दोनों SSP कार्यालय पहुँचे और थाना द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने की शिकायत करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। मामला मेरे लव मैरिज को लेकर के है। इसके लिए कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा मुझे बार बार परेशान किया जाता है, जो कि मेरी वाइफ का रिलेशन में ही लगते हैं। उनके द्वारा बार बार प्रताड़ित किया जाता है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है और पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई भी सहयोग नहीं किया जाता है, जिसका मैंने लिखित आवेदन SSP महोदय को 1 साल पहले भी दिया था और मैंने कोर्ट में इन्फॉर्मेटरी भी उन लोगों के नाम से फाइल करा रखा था कि मुझे जान का खतरा है उनसे। विजयदशमी के दिन मैं बाजार जा रहा था, उसी क्रम में मुझे और मेरी माँ को उन लोगों के द्वारा बंदूक लाठी डंडा से मार करके सर फाड़ दिया गया और इसके बाद मुझे और मेरी माँ को बागबेड़ा थाना के SI के द्वारा सदर अस्पताल ले जा करके इलाज कराया गया, जहाँ मुझे 4 टाका, मेरी माँ को 4 टाका पड़ा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया, किसी का गिरफ्तारी नहीं किया गया और मुझे उल्टा थाना प्रभारी और सभी के द्वारा ये कहा गया है कि कोई ना कोई केस में तुम्हें फंसा दिया जाएगा, तब तुमको समझ में आएगा। हमेशा मुझे धमकाया जाता है और हमेशा मेरे और मेरे घर वालों को जान से मारने के धमकी मिलते रहता है। अत हो गया हमको, मेरा घर का इज्जत है, बेटी है मेरी, वो कोई अपना बहू बेटी को रोड में नहीं लाता है, रोड में हम लोग का घर का खानदान का बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकलती है बाबू, समझे। आज तक हम इतना, मेरा आधा उम्र बीतने जा रहा, आज भी ससुराल जाते हैं ना तो हमको 10 आदमी देखने आता है, सर से आंचल नहीं उतरता है, वो मेरी बेटी है, बहू नहीं है, समझे। लेकिन अत हमको कर दिया है वो लोग को, इज्जत को ढांक के हम रखे थे, लेकिन आज इज्जत उछाल, ये जाति के चलते है इस तरह, खाली जात के चलते है, जो तो हम राजपूत है तुम लोग चौरसिया हो, कुछ भी होता है बागबेड़ा में, कहीं भी कुछ होता है, पटाख से मेरे बेटा का नाम डाल देता है। अभी विजयदशमी दिन लड़ाई किया है कोई, मेरा बेटा का नाम थाना में डाल दिया है, ये अन्याय है कि नहीं है बाबू, आप ही पहले बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।